ये गोपाल भाट, ये है गोपाल भाट। अब कहानी मनहोस के। राधे गोविंद मदन मोहन तुम ही भरोसा हो। वाह बड़ा ही सुंदर दिन है, मीठी हल्की हवा बह रही है, पंछी की मधुर गुनगुनाती हुई आवाज, सुबह का रक्तवर्ण सूरज। ऐसे समय पर यदि कविरत्न होते तो दो लाइन सुना देते। बुलाओ महाराज। कौन कौन है? मैं आपका खास नौकर रघु। किसको बुला कर लाओगे? कविरत्न को। नहीं कोई जरूरत नहीं। ओ बाप रे बाप, ओ मर गया रे। क्या हुआ महाराज, क्या हुआ? सीढ़ी के कोने में पता नहीं कौन नालायक मटका रखा था, वह मटका मेरे पैर पर गिर पड़ा, जिसके वजह से मैं सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। अरे बाप रे। सच में उस नालायक को मटका रखने की कोई और जगह नहीं मिली थी? महाराज सुबह सुबह उठकर आप किसका चेहरा देख रहे थे बताएं? रघु का देखा था, और किसका? वह झाड़ू पोछा छोड़कर आ गया मुझसे बोलने, कविरत्न को बुला दूं? सब उस रघु के वजह से हुआ है। न सुबह सुबह वह झाड़ू लगाने जाता और न कविरत्न को बुलाने के लिए कहता। मनहूस रघु ही है। तुम ठीक बोल रहे हो, इसके वजह से मैं उसे दंड जरूर दूंगा। क्या दंड देंगे महाराज? मृत्यु दंड। मृत्यु दंड। नहीं महाराज नहीं, मुझ पर दया कीजिए, मुझे काल कोठरी में डाल दीजिए, लेकिन मृत्यु दंड मत दीजिए महाराज। रोने धोने से कोई फायदा नहीं है, सजा सुना दी गई है। अब तुम अपना आखिरी ख्वाहिश बताओ। बचने का यही मौका है, एक आखिरी कोशिश करके देखता हूँ तो फिर ठीक है। तो मैं अपने धर्म चाचा गोपाल से एक बार मिलना चाहता हूँ। ठीक है, मंजूर है। चिंता मत करो रघु, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। महाराज मुझे कुछ पूछना है। ठीक है पूछो। रघु तुम सुबह सुबह उठकर सबसे पहले किसका चेहरा देखे थे? महाराज का। और महाराज आप सुबह सुबह उठकर किसका चेहरा पहले देखे थे? क्यों रघु का। और रघु सुबह सुबह उठकर आपका चेहरा देखकर मृत्यु दंड पा रहा है, तो बोलिए महाराज सबसे ज्यादा मनुष्य कौन है, रघु या फिर आप? हाँ गोपाल तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, रघु को मैं मृत्यु दंड नहीं दूंगा। क्रोध में आकर मैं जो गुनाह करने जा रहा था, उस गुनाह से तुम मुझे बचाए हो, इसके लिए यह रहा तुम्हारा उपहार। सब महाराज की कृपा है। अभी और बहुत दूर जाना है, जा रहा हूँ उस पेड़ के नीचे बैठ के थोड़ा आराम कर लेता हूँ। गुरु लगता है सामने शिकार बैठा है, चलकर देखते हैं। ए भैया उस बैग में जो माल पानी है इसको जल्दी निकाल लो। गुरु ने जो बोला वो जल्दी कर दो। ये क्या, यहाँ पे भी चोरी होता है? जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो देखा बोर्ड पे लिखा हुआ था शांति इलाका। अरे हाँ हाँ ठीक पढ़े हो,
लेकिन हम लोगों का बात नहीं मानने पर। क्या हुआ अंकल जी? लेकिन अब रोते रोते कहाँ जा रहे हैं अंकल जी? क्या बताओ बेटा, मेरा सूटकेस, घड़ी, मेरा महंगा फोन, यह तक पर्स भी मेरा, सब वो दोनों चोर लूट के ले गए। खुल के बताइए ना अंकल जी, क्या घटना है? अच्छा बेटा सुनो सुनो, आज सुबह अरे भैया उस बैग में जो माल पानी है उसको जल्दी बाहर निकाल दो तो। गुरु का बात नहीं मानोगे तो ठीक नहीं होगा। अरे गब्बू। हाँ बोलो ना। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। आइडिया? हाँ क्या बात है बता। सुन ना। हाँ बोल ना। अरे वाह ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। दरबार अंकल। हाँ आप जाइए और जल्दी पुलिस को लेकर आइए। ठीक है, तब तक हम दोनों पता लगाते हैं। ओह गब्बू ये सूटकेस कितना भारी है गब्बू। हाँ क्यों नहीं होगा, शायद लगता है रुपया से भरा हुआ है। ए गुरु लगता है शिकार सामने एक और आ गया। लेकिन ये दोनों तो बहुत छोटा बच्चा है, अरे गोली मारना तो दूर की बात है, कांटे भी निकालने का जरूरत नहीं है, एक बार डरा देंगे तो भाग जाएंगे। और देर मत करो गुरु, जल्दी चलो। ए बच्चों इस बैग का वजन तुम लोग नहीं संभाल पाओगे, दो हम लेके चलते हैं, फटाफट ये सूटकेस हमें दे दो। ये लो, लेकिन तो बहुत भारी है, उठा पाओगे? देखो मैं इसे कैसे उठाता हूँ। ये गुरु ये देखो ना, ये बैग सच में नहीं उड़ रहा है गुरु, बहुत वजन है इसका। क्या बात बताते हो गुरु, कोशिश करके तो देखो उड़ जाएगा। ओ दिक्कत हो रहा है उठाने में, अभी दिखाता हूँ। ओम चर पुक छर छुक, सूट के छल के हो जा छुक छुक। भाई भाई मुझे छोड़ दो, मैं मार दूंगा, मुझे छोड़ दो भाई, मुझे छोड़ दो, बचाओ मुझे बचाओ, सिर में चक्कर आ रहा है, मुझे छोड़ दो भाई, मुझे छोड़ दो। अरे अरे भाई नीचे उतारो मुझे। अरे रुको अभी पुलिस आएगा तब, इसके बाद तुम दोनों को नीचे उतारूंगा। यही है वो दोनों डाकू जो मेरा सूटकेस छीने हैं। अभी मैं रुको तुम दोनों को नीचे उठाता हूँ। ओम टर फुक छर छुक, और नीचे उतर लो छर छुक छुक। अरेस्ट हिम। तुम दोनों के बजाय से मेरा सूटकेस मुझे मिल गया और सारा सामान भी, इसीलिए मैं तुम दोनों के लिए कलकत्ता के रसगुल्ले लेके आया। हाँ धन्यवाद। मगध राज्य के राजा बहुत ही धर्म निरपेक्ष हैं। उनके राज्य में प्रजा सुख और शांति से वास करते थे, और इधर राज्य में बढ़ गई बहुत परेशानी। ये क्या, यही तो था, यह तो बहुत हैरानी की बात है। हाँ कहाँ गया चाचा, क्या हो गया? पूरे बाजार में दिन भर में जो सामान बेचकर जो पैसा इकट्ठा किया वो इसी पोटली में रखा, और रखने के बाद मैं घर में हाथ पैर धो रहा था, आकर देखा मेरा पोटली नहीं है। ये क्या, हम लोगों के गांव में चोरी शुरू हो गया क्या? हाँ चोरी शुरू हो गई पूरे राज्य में। मैंने जो हार दिए थे बनाने के लिए वो क्या बन गया? ये सोनार जब बोल दिया है बन जाएगा तो आपको जरूर मिल जाएगा। क्या बनाना था तुम्हारा? वही एक सोने की हार। हाँ हाँ सोने की हार, रुको रुक जाओ दे रहा हूँ।
ये क्या हो गया? क्या हुआ भाई? मेरे संदूक में तो कुछ भी नहीं है, सब गायब हो गया। चोरी, मेरे दुकान में चोरी हो गई है। कब मेरा पूरा सामान लूट कर ले गया, अब क्या होगा? ये क्या, हमारे राज्य में चोरी? ये तो बहुत दुख की बात है। ठीक है, आज से हमारे राज्य में पहरेदार ठीक से पहरेदारी करेंगे। लेकिन महाराज, इससे तो मेरी चोरी हुई संपत्ति वापस तो नहीं मिलेगी ना? महामंत्री, इस सोनार का जो नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई कर दी जाए। जो आज्ञा महाराज। राजा के आदेश पर पूरे राज्य में पहरेदारी शुरू हो गई। चोर तो नहीं पकड़ाया, बल्कि चोरी और ज्यादा बढ़ गई। महाराज, बहुत सर्वनाश हो गया। मैं कल जम्मूद्वीप से बहुत सारे कीमती सामान लेकर आ रहा था, और उसमें बहुत सारे अमूल्य रत्न थे, और यहाँ आकर देखा मेरे सारे रत्न चोरी हो गए। 3 पीढ़ियों से जो व्यापार चल रहा था, बहुत सारे अमूल्य रत्न थे, और आज देख रहा हूँ मेरे सारे रत्न चोरी हो गए। महाराज, मेरे घर की कुल देवी की मूर्ति चोरी हो गई। चोरी चोरी चोरी, यह सुन सुन के मेरे कान पक गए, और इतने दिनों से मेरे पहरेदारी कोई खबर तक नहीं लगा पाए। महाराज, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चोर बहुत ही चालाक है। आज रात को मैं खुद चोर पकड़ने जाऊंगा, देखता हूँ। अभी तक तो चोर तो दूर की बात, एक चिड़िया तक भी नहीं देख पा रहा हूँ। ओए, कौन है तू? मैं चोर हूँ, पर तुम कौन हो भाई, बताओ। मैं भी चोर हूँ। चोरी करने निकले हो क्या? मैं भी निकला हूँ। चलो, दोनों एक साथ ही चलते हैं। ठीक है, चलो। आज बहुत बड़ा हाथ मारे हैं। ये लो तुम्हारा हिस्सा, कल रात यहीं पर मिलना, दोनों एक साथ ही निकलेंगे, समझ गए? तुम यहीं पे रहते हो क्या? हाँ, जा रहा हूँ। उसके बाद राजा लौट आते हैं महल में, अपने सैनिकों को लेकर चोर के घर पर आक्रमण करता है, और शुरू होता है चोर के विरुद्ध लड़ाई। चोर पराजित होता है और सैनिक उसे बंदी बना लेते हैं। क्यों चोर, पहचान पा रहे हो मुझे? ओ, आप महाराज हैं। आप ही कल रात को चोर बनकर आए थे, अपने आप को चोर बताकर मेरे साथ रहे। अच्छी बात है, पहचान लिए मुझे। सुनो, चोरी के अपराध में तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। जल्लाद। आदेश महाराज। इस चोर को पूरे नगर में घुमाओ, उसके बाद इसे सजा दो। जो आज्ञा महाराज। पूरे नगर में जब चोर को घुमाया जाता है, उसी वक्त आती है राजकुमारी सुचंद्रा। वाह, चोर भी इतना सुंदर होता है, ये तो मुझे नहीं पता था। विवाह भी करना होगा तो मैं इसी से करूँगी। ये चोर, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? तुम मुझसे प्रेम करती हो, तुम मुझसे प्रेम करती हो, तुम मुझसे प्रेम करती हो। महाराज, उस दिन चोर को नई जिंदगी मिल गई और सुचंद्रा को मनपसंद वर। लेकिन महाराज, सुचंद्रा जब चोर को अपने प्रेम का प्रस्ताव रखी, तो एक बार चोर हंस रहा था और फिर रो रहा था, ऐसा क्यों? चोर यह सोचकर हंस रहा था कि उसे मिला अपने जीवन का सबसे बड़ा रत्न, एक नारी का प्रेम, और यह सोचकर रो रहा था कि जो नारी का प्रेम मुझे मिला, उसे मैं कभी पा नहीं सकूंगा। कारण यह था कि कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। लंबकर्ण,
तू मेरा साथ रहता है ना तो मुझे बड़ा मजा आता है। कोई ना कोई बात तेरे कान में पड़ी जाती है। अभी उसी दिन तू अगर नहीं होता तो मुझे बहुत गालियां पड़ती थी। बाचू बिच्छू मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते। आप भी क्या कर रहे हो बाटुल भैया, मैं ऐसा भी क्या करता हूँ? आप ही तो मुझे हमेशा बचा देते हैं। मैं सिर्फ अपने कान खड़े कर आपको सारी खबरें देता हूँ बस। देख रहा है बिच्छू, बाटुल भैया फिर से लंबकर्ण को साथ लेकर निकले हैं। उफ, ये दोनों अगर साथ रहे ना बेटा तो हम दोनों इन दोनों को कभी परेशान नहीं कर पाएंगे। इन दोनों को अलग करना ही पड़ेगा। ठीक कहा गुरु, तो पहले इस बड़े कान वाले को भगाते हैं, उसके बाद बाटुल की अकल ठिकाने लगाते हैं। बाटुल भैया, मुझे ना बाचू बिच्छू की आवाज सुनाई दे रही है, वो लोग जरूर कहीं आसपास ही हैं। आप ना सावधान रहना। अरे नहीं नहीं, तुझे इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे परेशान करना उनके बस की बात नहीं है। लंबकर्ण भैया, ओ लंबकर्ण भैया, अभी खबर मिली है कि आपके लिए एक टेलीग्राम आया है। आपको शहर जाना पड़ेगा, फुटबॉल टूर्नामेंट में आपके रेफरी बनना पड़ेगा। क्लब सेक्रेटरी आपको ढूंढ रहा है, आप जल्दी दौड़ कर आइए। क्या कह रहे हो? कुछ भी, मुझे रेफरी? नहीं नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। हे, तुम लोगों ने ठीक से सुना है कि नहीं? क्या कह रहे हो लंबकर्ण, ऐसा एक ऑफर आया और तुम्हारे लिए और तुम हो कि विश्वास नहीं कर रहे? जा जा जल्दी जा। बाबा बाचू, तुम लोगों ने क्या तो लंबकर्ण पर उपकार किया है। नहीं नहीं, मैं तो खामखाई तुम लोगों पर हमेशा संदेह करता हूँ। ये लो, तुम दोनों लॉलीपॉप खाओ। बक्से पर किल क्यों ठोक रहा है दोस्त? देखते जाओ, अब मैं बाटुल को कैसे मजा चखाता हूँ। ये भी कोई कहने की बात है गुरु, तुम्हारे प्लान का कोई जवाब नहीं है। सुनो सुनो बाटुल भैया, अरे सुनो तो, ये छोटा सा बक्सा देख रहे हो ना, इसको जरा उठा के दिखाना, उठा सकते हो या नहीं? जाओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये लो देखो, मैं उठा कर दिखाता हूँ। ये क्या हुआ, खींचना थोड़ा ज्यादा ही जोर से हो गया ना, तुम लोगों को थोड़ी तकलीफ दे दी, कुछ सोचना मत भाई। अरे मर गया रे, रास्ते का टुकड़ा समेत बाटुल भैया ने हम लोगों को उठा के गिरा दिया। अरे बाप रे, बाटुल भैया, तुम लोग छोटी छोटी बातों पर मुझसे मजाक करते हो, जाओ कर जाओ। पेड़ के साथ इस रस्सी को अच्छे से बांध देता हूँ, उसके बाद टग ऑफ वॉर में देखना कैसे बाटुल भैया को हराता हूँ। इस दीवार की छेद में से रस्सी को निकाल देता हूँ, क्या कहते हो बाचू? गुरु, गुरु, तुम्हारा जवाब नहीं। बाटुल भैया, मैं आपसे शर्त लगाता हूँ कि इस रस्सी को खींचने में आप मुझसे नहीं जीत सकते। क्यों झूठ मूठ ये सब कर रहा है, अच्छे बच्चे की तरह रहो ना, ठीक रहोगे, जाओ जाओ। ए बिच्छू, ये बाटुल भैया तुमसे डर गए हैं, इसलिए टग ऑफ वॉर में तुझसे लड़ना नहीं चाहते, छोड़ दो ना गुरु, माफ कर दो ना बाटुल भैया को। माफी नहीं, माफी नहीं है बाटुल भैया, आप भी आखिरकार हारी पार्टी बन ही गए, भैया बुलाने में शर्म आ रही है। अब छी 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 छी, अब बताता हूँ, रुक देख मैं क्या करता हूँ। अरे बाप रे, मर गया रे। तुम मेरे गुरु तो हो, पर बाटुल भैया से एक के बाद एक मात खा रहे हो, इसके बाद मैं तुम्हें गुरु नहीं मान पाऊंगा।
तुम चुप रहो तो मैं मर रहा हूँ। मेरे सर पर आलू निकल आया है और तुम बकबक कर रहा है। चुप बैठ। रुक, मेरे दिमाग में एक प्लान आया है। अब बाटुल को मात देकर आऊंगा। अरे बाबा रे गुरु, माथे में आलू के बाद अब तरबूज ना उग जाए। धीरे वत्स, धीरे। सब्र का फल मीठा होता है। अब तैयार करूंगा एक फंदा, उसके बाद देखना होता है क्या। बाटुल भैया, ये आकाश उड़ने वाला यान देख रहे हैं ना, ये आपके अलावा किसी पर भी शोभा नहीं देगा। इसमें आप जरा बैठकर देखिए ना, देखिएगा कितना अच्छा लगेगा। आकाश में आप घूम रहे होंगे और पृथ्वी दिखेगा बहुत सुंदर। आप पक्षियों की तरह जहां तहां उड़ रहे होंगे। तुम्हारी उसमें कोई शैतानी तो नहीं है ना, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तो सिर्फ बदमाशी घूमती है। नहीं नहीं बाटुल भैया, हम लोग बहुत अच्छे लड़के बन गए, हमारी कोई बदमाशी नहीं है। एक बार चढ़ के तो देखिए, फिर पता चलेगा। क्या कहते हुजूर? ठीक कहा। चलो ठीक है, मैं चढ़कर बैठ ही जाता हूँ, देखिए ना। लेकिन ध्यान रहे कोई दुर्घटना ना घट जाए। बाटुल भैया, बलून में उड़ना कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मस्त। तुम लोग धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हो, ये तो रोंगटे खड़े करने का मामला है। हाँ पता लगेगा भाई, पता लगेगा। और थोड़ा ऊपर जाओ, फिर पता लगेगा कि रोंगटे खड़े होते हैं या सिकुड़ जाते हो। और ऊपर जाइए बाटुल भैया, देखिएगा ठंड की वजह से सिकुड़ जाओगे। नहीं नहीं बाटू, अब देर मत कर, अब तीर धनुष निकाल और छेद कर दे, भेद खोल दे। बाटुल बलून के साथ नीचे गिर पड़ेगा। बाटुल को हम रोलर बनाएंगे और कोई चिंता नहीं है बाटू। दोनों तीरों ने लक्ष्य भेद दिया है। अब तो बैलून फुस बाटुल पूरी तेजी से नीचे आ रहा है। अरे इतने ऊपर से गिरा पर लगा जैसे किसी गद्दे पर से गिरा हूँ। ना ना, लौंडे दोनों कहाँ गए, ढूंढना पड़ेगा। क्या हुआ, उन दोनों ने मेरा आकाश में उड़ने का इतना अच्छा प्रबंध किया था और मैं ठीक से उड़ भी नहीं पाया। नहीं नहीं, मुझसे ही कोई गलती हुई है। अरे बाटुल भैया, ये क्या हुआ? अरे तुम लोग ऐसे पिचक कैसे गए? किसी ने रोलर चला दिया लगता है। रुको रुको, मैं तुम लोगों को हिला देता हूँ, हवा घुसेगी तो ठीक हो जाओगे। बहुत हो गया बाटुल भैया, आप अब हम पर ज्यादा उपकार करने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो अब हम और मरेंगे, बिल्कुल बचेंगे नहीं। ठीक है, जब मदद ही लेना नहीं चाहते तो मैं चलता हूँ। आकाश में भ्रमण करवाने के लिए तुम लोगों को बहुत सारा प्यार। हट, अब अच्छा नहीं लगता। जितनी बार हम बाटुल भैया को मजा चखाने जाते हैं, वो हमें ही मजा चखा देते हैं। हट जा, हट जा बाचू। हट हट। अरे हट रे बाचू, हट हट। अरे बाचू।
बैसाख के महीने में एक राजा दोपहर के समय एक दूर गांव जा रहा था। चलते चलते उसे प्यास लगी। सुबह से चलते चलते थक गया हूँ मैं, बहुत जोर से प्यास भी लगा है, लेकिन रास्ते में कोई दिखाई नहीं दे रहा है जिससे मैं पानी मांगू। हाँ, एक आदमी आ रहा है, जाके उसे पूछता हूँ। भाई साहब, पानी है आपके पास? मैं तुम्हें पानी वाला दिखता हूँ, फल वाला हूँ मैं, पानी वाला नहीं। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। कहने का मतलब वो नहीं है तो पानी है क्यों पूछे? आप गलत समझ रहे हैं, मैं पीने के लिए मांग रहा था। पीने के लिए मांग रहे हो तो मुझे से क्यों? मैं पानी बेच रहा हूँ, फल का टोकरी नहीं दिख रहा है। पानी और फल क्या एक होता है? धरती और आसमान क्या एक होता है? आम और इमली नहीं पहचानते हैं, कहाँ कहाँ से चले आते हैं। आपसे पूछकर गलती हो गई। गलती तो है ही तुम्हारा, देख रहे हो इतनी कड़ी धूप में फल का टोकरी लेके जा रहा हूँ तो पानी क्यों मांगे? हाँ, किसी से बात करने से पहले सोच लिया करो। हाँ, उफ, कैसा आदमी है। ना, बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। कितना छाव है यहाँ पे। कौन? गोपाल जी? नहीं, मैं पास के गांव का हूँ, पानी ढूंढ रहा था। क्या बोल रहे हो? अपना गांव छोड़कर यहाँ आए हो पानी के तलाश में? पानी की तलाश जब कर ही रहे हो, ढुमरी गांव का पानी पिए हो? जी नहीं। क्यों? पता है तुम्हें डुमरी गांव का पानी बहुत मीठा है, मैं वहां का पानी पिया हूँ, तुम भी जाके पीना। डुमरी गांव में मेरे मामा का घर है, समझे? आप अपने मामा के घर का पानी अपने पास रखिए, अभी मुझे बहुत प्यास लगा है, पीने के लिए पानी दीजिए। तुम्हें पानी पीना है तो अपने गांव में ही पी सकते थे, इसके लिए तुम 5 कोस दूर इस गांव में क्यों आए हो? जहां तहां से चले आते हैं। चिल्ला चिल्ला कर मेरा दिमाग खराब कर दिया, चलता हूँ यहाँ से। हाँ, पेड़ के नीचे कोई है, जाके उससे पूछता हूँ। भाई साहब, पानी कहाँ मिलेगा बता सकते हैं? यही मिलेगा। रुको, अभी तुम्हें दिखाता हूँ। जमीन के अंदर में पानी, बादलों में पानी, गंगा में पानी, यमुना में पानी, सागर में भी पानी, कुएं में भी पानी, नाली में पानी, नल में पानी, तालाब में पानी। क्यों, मिल गया? हाँ, मिल गया। एक और पागल, जल्दी से यहाँ से भाग जाता हूँ। और भी है, झील में पानी, आँखों में पानी, मुंह में पानी, बारिश का पानी, सुनकर जाओ। जा, कहाँ गया? भाग गया क्या? हाँ, नहीं, अब लग रहा है इस गांव में पानी नहीं मिलेगा। पृथ्वी पर 3 भाग जल है, 1 भाग स्थल है, समुद्र का जल नमकीन है। जाकर उस बच्चे से पूछता हूँ। सुनो बेटा, क्या हुआ है, क्या चाहिए? पढ़ते समय उसे परेशान क्यों कर रहे हैं? हाँ, सुबह से इससे उससे पूछ रहा हूँ, लेकिन पानी का पता कोई नहीं बताया। मैं तुम्हें पानी का पता दूंगा, आओ आओ मेरे साथ। रासायनिक प्रक्रिया से पानी का विश्लेषण करके मिलता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, समझे तुम?
मैं पीने का पानी किसे कहते हैं? जिस पानी में दुर्गंध नहीं होता, बीमारी वाला बीज नहीं होता, जैसे इन बोतलों में देख रहे हो तुम। इस बोतल में तालाब का पानी है, इसमें बहुत ज्यादा कीटाणु है। इस पानी का जांच करके मैं अधिक मात्रा में कीटाणु निकला हूँ। ये पानी पीते हैं? ये शुद्ध पानी है, इसमें दुर्गंध कीटाणु नहीं है। आप मुझे शुद्ध ठंडा पानी दिखाइए। अभी दिखाता हूँ। ये रहा पीने का पानी। हाँ दिखाइए। ये क्या हुआ? हाँ जांच किया हूँ मैं, चलता हूँ। नमस्ते। वो यात्री अपना बुद्धि लगाकर बच गया, लेकिन वो ये प्रतिज्ञा कर लिया कि जब तक जीवित रहेगा उस गांव में नहीं जाएगा।